जो उसमें बीज नहीं होता, तो बिना बीज के पौधों को कलम के द्वारा बनाते हैं। कलम कलम कहते हैं ना अपना पेन, तो पेन के माध्यम से कैसे बनाते हैं। अभी जो आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, ये वट वृक्ष का पौधा है, जिसको अपन बरगद कहते हैं, वड़ कहते हैं। तो हमने क्या किया था, आज से 2.5 महीने पूर्व लगभग फरवरी में इन पौधों की छोटी छोटी शाखाओं को काटा था, शाखाओं को काट कर और एक कलम बनाई थी, छोटी सी डंडी। फिर उसको काटने का तरीका होता है, एक तरफ से अपन तिरछा काटते हैं और एक तरफ से सीधा काटते हैं। तो उस कटिंग करने के बाद में मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, और ऊपर का जो सिरा होता है वो अपन जो गोबर होती है उससे लेप करके उसको पैक कर देते हैं, और लगभग इसको पानी पिलाते रहते हैं प्रतिदिन। और ये 2 महीने बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर एक शाखा निकली है ना, क्योंकि ये केवल डंडी सिंगल थी और ऊपर से पैक कर दिया और मिट्टी के अंदर दबा दिया, धीरे धीरे पानी पिलाते रहे, तो आज 2 महीने बाद में ये एक पौधा बन चुका है। अगर सीधी अगर अपन टहनी काट के और लगा देंगे तो वो नहीं लगेगा, उसके लिए उसकी कटिंग तिरछी करनी होती है और ऊपर इसको पैक करना होता है, तो यहाँ से कोई ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलता रहे। और प्रतिदिन आप पानी पिलाएं तो 2 माह बाद आपको ऐसे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग जिनके बीज नहीं होते हैं उन पौधों को इस तरह तैयार करते हैं, और जो पौधे बीज वाले होते हैं तो बीजारोपण करके मिट्टी के अंदर डाल के उसको पौधों को बनाते हैं। और अभी जो शिवसर तालाब पे आप आसपास में जितने पेड़ देख रहे हो ना, आप अपने पीछे देखिए, ये जितने भी पौधे हैं ये सारे पौधे 2019 में हमने लगाए थे, 2019 जून जुलाई में। इस जून जुलाई में 3 साल पूर्ण होंगे जब हमने पौधे लगाए, तो सारे पौधों की हाइट लगभग इतनी थी। और इन पौधों को लगाने के बाद में हमने क्या किया है, नित्य प्रति इसकी देखभाल करते हैं। देखभाल में क्या करना होता है, उसको पानी से सिंचित करना, और दूसरी जो जानवर यहाँ घूमते रहते हैं उनसे सुरक्षा देना। तो हमने सुरक्षा देने के लिए क्या किया है, सारी जगह तारबंदी की हुई है। अब तारबंदी के कारण ये क्षेत्र पूरा सुरक्षित हो गया है, तो कोई भी जानवर अंदर घुसता नहीं है, और जो पौधा बढ़ रहा होता है वो उसको खाएंगे नहीं। तो जितने पौधे लगाए होते हैं उसको पौधा लगाने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं सुरक्षा और सिंचित करना। तो आप भी अपने आसपास में जो भी क्षेत्र आपको लगे, घर के पास में, स्कूल के पास में, जो आपके माता पिता हैं उनसे कहें, वो अपना जहाँ सर्विस कर रहे होते हैं, तो उसके आसपास भी ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर आप पौधा लगाइए, और आप उसमें नित्य प्रति उसको पानी से भरिए और उसके सुरक्षा का ध्यान रखिए। 3 साल के अंदर ही जो लगाया पौधा 5-6 इंच का होता है वो विशाल वृक्ष का रूप लेने लगता है। तो ऐसा करके हम लोग पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभा सकते हैं।